तदी। कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत है बहुत ही खास क्या खास है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में शेयर करूंगी पर उससे पहले उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो कि मेरे चैनल पर आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ 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 प्लीज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के टाइम से तो जो मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त हैं मेरी माताएं हैं मेरी बहनें हैं समझ चुकी होंगी कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ चलिए आज के ब्लॉग में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी फटाफट चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी लोगों का इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच इसी तरह से अपना जो सुझाव है अपने जो कमेंट के जरिए करते रहिएगा क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो वही कमेंट्स मुझे कुछ नया करने का हौसला देते हैं और जब आप साथ में होंगे तो हम आगे कैसे नहीं बढ़ेंगे ज़रूर बढ़ेंगे कामयाब होंगे इसी उम्मीद के साथ फटाफट से देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या है आगे का वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले करती हूँ यहाँ का व्यू शेयर आप लोगों के साथ जो कि है खुले आसमान के नीचे बहुत ही साफ शुद्ध और स्वच्छ एकदम देखिए मौसम आज बिल्कुल साफ है धूप लगी है चारों तरफ से और जहाँ पे मैं हूँ सबसे ऊंची पहाड़ी पर वहाँ पे लगी है सुबह सुबह ही ठंडी ठंडी हवा और एकदम से बिल्कुल बढ़िया मस्त वाली वरना तो मेरे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं जब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आई हूँ बहुत ही दूर से आज देखिए कितना दूर है ऊपर टावर और यहाँ से टावर से सीधे सीधे हम चल कर के आ गए हैं नीचे की तरफ को क्योंकि अब बारिश नहीं हुई है तो जो भी घास था चढ़ने के लिए पशुओं को वो हो चुका है सारा ख़त्म तो इसलिए आजकल हमें आना पड़ता है बहुत ही दूर दूर ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਸੋ ਸਠ ਪੈੜੀ ਮਇਆ ਚੜਿਆ ਨ ਜਾਣਦੀ ਸੋ ਸਠ ਪੈੜੀ ਮਇਆ ਚੜਿਆ ਨ ਜਾਣਦੀ लगा आप सभी को माता रानी का ये भजन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोगों की रिक्वेस्ट पर था ये क्योंकि एक सिस्टर है मुझे बार बार कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने वीडियो में थोड़ा सा गाने की लाइनें सुना दिया करें भजन की तो मैंने सुना दिया है और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको बुरा लगा होगा तो भी बता देना अच्छा लगा होगा तब भी बता देना मुझे गाना नहीं आता है पर आप लोगों के कहने पर मैंने थोड़ी सी चंद लाइनें गा करके सुनाई है कोशिश करी है और आगे से सुधारने की भी कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे पता है मैं गाने नहीं गाती हूँ और इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी इसलिए तो मैंने कहा था ना आपसे कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि ये थी रिक्वेस्टेड वीडियो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा इंतजार रहता है आप सभी लोगों के कॉमेंट्स का और स्मृति आंटी जी ने मुझसे पूछा था कल कि आपके ससुर जी चले गए हैं क्या तो नहीं जी अभी नहीं गए हैं यही हैं मेरे पास और अब उनको आए एक हफ्ता हो गया है जिस दिन जाएंगे उस दिन मैं ज़रूर बताऊंगी कि आज जो है मेरे पापा ससुर जी चले गए हैं और आपने मम्मी के बारे में पूछा था और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी माँ को हरदम अपना नमस्ते भेजते हैं तो मैं अपनी माता जी तक आपकी नमस्ते ज़रूर जाती हूं और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी माता जी की तबीयत कैसी है तो आजकल ऐसे ही है ना ठीक ही हैं और ना ज़्यादा बीमारी है बट नॉर्मल से हैं और आजकल वो रेस्ट कर रहे हैं तभी आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं पर कल शाम की वीडियो है मेरे पास उसको मैंने एडिट नहीं किया है वो थे हम सरसों के खेत में तो वहाँ पे मेरी मम्मी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी बट वो वीडियो मैं आपको ना अलग से डालूँगी क्योंकि इसमें वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी बड़ी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है मुझे पता है तो प्लीज़ कर दीजिए थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए ना रोज़ कहती हूँ शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए पर सब्सक्राइबर वहीं के वहीं अटके हैं नाम ही नहीं ले रहे हैं आगे आगे चलने का जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं रुके पड़े हैं कोई बात नहीं और हाँ एक बात और कहना चाहती हूँ मेरी कल और परसों ना तबीयत खराब थी तो जो कमेंट्स मुझसे छूट गए होंगे जिनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा उनको कहती हूँ सॉरी माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है फिर मन ही नहीं करता मेरा कि मैं खाना भी बनाऊँ फिर ऐसे ही खा खो कर के मैं सो जाती हूँ बड़ी मुश्किल से और जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना तो पता है मैं क्या बनाती हूँ नमकीन चावल यानी कि खिचड़ी वही बनाती हूँ वही खा लेती हूँ वही सो जाती हूँ पर आजकल पापा जी भी है ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर खिचड़ी बना करके मैं रोज़ रोज़ खाऊँगी ना तो पापा जी नाराज़ हो जाएंगे ऐसा खाना खा खा कर फिर उनकी भी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मम्मी की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है और बच्चे हैं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है और ना फिर लास्ट में जा कर के आती है अपनी बारी तो अपना ध्यान रखते रखते तो मैं खुद ही बीमार हो जाती हूँ सही बात है मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना हैवी काम कर लेती हूँ तो थकान हो जाती है उस दिन गोबर फेंका था ना खेत में तो थकान होगी तो जो कि फेंका हुआ है वो वैसे का वैसा ही है और कल है संडे तो देखती हूँ पति देव जी आएंगे कि नहीं आएंगे वैसे तो मैंने बोला था उनको कि प्लीज़ आपने इतनी ज़्यादा हेल्प करवा दी है तो थोड़ी सी और करवा देना पता जी पता नहीं पति देव जी को मक्खन लगाया है थोड़ा सा लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो तभी पता चलेगा जब वो आएंगे कि नहीं और अगर आएंगे तो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नहीं आएंगे तब भी बता दूंगी बातें बहुत होगी जब मैं कैमरा उठा करके बातें करने लगती हूँ ना तो मेरा मन ऐसा करता है बस मैं आप लोगों के साथ में बातें करती ही जाऊँ करती ही जाऊँ फिर मुझे यहाँ का खबर नहीं वहाँ की खबर नहीं चाहे मेरी बकरियाँ एक है यहाँ पर चाहे नहीं है चाहे गाय भाग गई चाहे जो मर्जी भाग गया तेंदुआ उठा करके ले जाए फिर मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि मेरा जो फोकस होता है ना वो पूरा पूरा कैमरे के ऊपर होता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाय बाय आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा सेफ रहिएगा सुरक्षित रहिएगा अपनों की खुशी में ही हम सब की खुशी है अपनी खुशी है और मैं मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय माता दी